आज आरटीसी करेरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ड्रिल ग्राउंड में सिपाही टीडी रिक्रूट 487 बैच के बेसिक प्रशिक्षण का शुभारंभ समारोह अत्यधिक धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएट डायरेक्टर डीआरडीओ मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रसन्न के रेड्डी रहे। डीआईजी सुरेंद्र खत्री द्वारा इस अवसर पर सभी नव आरक्षकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी और उन्हें बेसिक प्रशिक्षण के दौरान उच्च कोटि का प्रदर्शन करने और बाल का एक अनुशासित दक्ष सैनिक बनाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस बेसिक प्रशिक्षण में आंध्र प्रदेश के 188, आसाम के 20, बिहार में 25, दिल्ली के 24, गुजरात का 1, हरियाणा के 36, हिमाचल प्रदेश के 41, राजस्थान में 114, जम्मू और कश्मीर के 29, पंजाब में 43, महाराष्ट्र के 2, मध्य प्रदेश के 6, कर्नाटक के 2, उत्तराखंड के 588, उत्तर प्रदेश के 202, उड़ीसा के 5, पश्चिम बंगाल के 2, नागालैंड के 7, मेघालय का 1, तेलंगाना के 47, त्रिपुरा के 9, लद्दाख के 14, चंडीगढ़ के 2, झारखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 8। इस प्रकार कुल 1422 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान नव आरक्षकों द्वारा आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी करेरा में आने के बाद के अनुभव भी साझा किए गए। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रिक्रूटरों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की लोक कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। सर्वप्रथम श्री सुरेंद्र खत्री सर, डीआईजी करेरा, उनकी अनेक अधिकारीगण यहाँ बैठे हुए, प्रशिक्षण अधिकारी, मुझे आमंत्रित किया है किसी प्रशिक्षण उद्घाटन समारोह में। जब मुझे इनविटेशन मिली है, आई वॉज लिटिल कंफ्यूज। जैसे आप सब लोग जब गेट पर आए, जिस प्रकार के आपके मन में एक संघर्ष थी, पता नहीं अंदर क्या होगा। जब मुझे आमंत्रण मिली है, मेरी मन में भी ऐसे एक संघर्ष था, मैं क्या बोलूं। सर ने लिख लिया है, जिस सर आप कुछ आईटीबीपी के हवाले किया है, यहाँ पर भारत सरकार की हमें हम सबको बहुत बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जैसे ही एसएससी का रिजल्ट आया, उसके रिकॉर्ड 7 दिन के अंदर लगभग 20,000 से अधिक कर्मियों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनकी उन्होंने जो टारगेट दिया था कि 7 दिन के भीतर सभी कर्मियों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाए, जैसे ही ये हमें आदेश मिले थे, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि 7 दिन में किस प्रकार से हम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सभी कर्मियों को, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और अन्य संस्थान भी हैं, कि 7 दिन में किस प्रकार से इतने अधिक कर्मियों के घर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पहुंचाएंगे और जो रोजगार मेला लगा है वहां पे किस प्रकार उन कर्मियों को पहुंचाएंगे। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस गति से चलते हैं, तो बाकी सब भी उसी गति से अब चलने लग गए हैं। आप सबने आईटीबीपी को ज्वाइन करके मैं यही बोलूंगा कि आप अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए आप एक रोल मॉडल बन गए हो। आने वाले दिनों में आप एक रोल मॉडल के तौर पे उन सब युवाओं के लिए उस गांव में जब जाओगे, आपको देख के बाकी तमाम नौजवान आपसे प्रेरित होंगे और एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ पे आईटीबीपी के विषय में मैं कहना चाहूंगा